दीपावली बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी का पार्ट टू। पिछला जो हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूटी, उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखे थे कंटिन्यूटी को। आज हम लोग देखेंगे एनालिटिकल मेथड से कंटिन्यूटी को। तो देखिए, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एफ पॉइंट पी एक्स वाई लाई ऑन इट इफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो वेयर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब जैसे देखिए, मान लिया हम लोग कि कोई फंक्शन है एफ एक्स है। अब इसमें अगर हम लोग डेल्टा वाई में बढ़ाएं, वाई में डेल्टा वाई का इंक्रीमेंट करें, एक्स में भी डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब डेल्टा वाई का वैल्यू हो जाएगा बच्चों एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, और वाई का वैल्यू है एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब देखिए डेफिनेशन से कि जब दोनों तरफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करेंगे, ठीक, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ऑन बोथ साइड, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और इतना का वैल्यू जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग मान लें कि डेल्टा एक्स जो है वो प्लस माइनस एच है ना, एंड x इक्वल टू a है जो डोमेन ऑफ फंक्शन में लाई करता है, देन डेल्टा x टेंस टू जीरो इंप्लाइज x टेंस टू जीरो। इसका मतलब हो गया कि लिमिट x टेंस टू जीरो a प्लस माइनस एच इक्वल टू एफ ए, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो एल ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए। ये कंडीशन होता है बच्चों कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब है कंटिन्यूटी एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, और ऑब्वियस है कि ए इसके डोमेन में रहेगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब कंटिन्यूटी होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों बराबर होना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए। इसका मतलब फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए वी हैव एफ ए मस्ट बी डिफाइंड मस्ट बी एग्जिस्ट एंड डिफाइंड। दूसरा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स मस्ट बी एग्जिस्ट एंड डिफाइंड। ठीक है, और तीसरा, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए बराबर फाइनाइट क्वांटिटी। अगर ये तीनों केस है तो फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा बच्चों। तो आप इसको बच्चों नोट कीजिए, अगला टॉपिक इसमें देखते हैं हम लोग।
इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर कोई पॉइंट कि यहाँ पर कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, इस तरफ का रीजन है x लेस देन ए और इस तरफ का रीजन है x ग्रेटर देन ए, यानी ये रीजन है लेफ्ट हैंड लिमिट का, ये रीजन है राइट हैंड लिमिट का, और यहाँ पर आएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू ए। तो इसका मतलब और कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए का मतलब हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू ए, और ये दोनों फाइनाइट हो। ऐसा अगर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब बहुत सारे बच्चों को कंटिन्यूटी के सवाल में ये देखने में दिक्कत होता है सवाल के दौरान कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से लें, राइट हैंड लिमिट कहाँ से लें। उसके लिए एक चीज देखिए, इसको हम इरेज करते हैं बच्चों। देखिए इधर है नोटेशन, इधर है मीनिंग, और इधर है टू फाइंड आउट। नोटेशन में अगर है x लेस देन a, यानी a से कम, यहां लिखिए a x इक्वल टू a, इधर का क्या होगा x लेस देन a, और इधर का क्या होगा x ग्रेटर देन a। यहां होगा x लेस देन a और इधर का पार्ट होगा x ग्रेटर देन a। x लेस देन a का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज गिवन, और निकालना क्या है लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ए माइनस h। ठीक है, x ग्रेटर देन a इसका मतलब राइट हैंड लिमिट इज गिवन, और निकालना है लिमिट x टेंस टू जीरो f a प्लस h। x इज नॉट इक्वल टू a, मतलब a के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों है या तो a से बड़ा है या तो a से छोटा है, तब LHL एंड RHL बोथ आर गिवन। इसका मतलब निकालना हम लोग को ये दोनों चीजें हैं, सिमिलरली x ग्रेटर देन इक्वल टू a का मतलब ग्रेटर देन a अगर है तो ये दिया है RHL एंड वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू a इज गिवन। इसका मतलब लिमिट s टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच और एफ ए, ये दोनों दिया हुआ है। x लेस देन इक्वल टू a का मतलब लेस देन a मतलब LHL इज गिवन, और इक्वल टू a मतलब x इक्वल टू a मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू a इज ऑल्सो गिवन। इसका मतलब f a माइनस h और f a, ये सब चीज निकालना है बच्चों। तो जिनको दिक्कत होता है कि क्या दिया है क्या निकालना है, उसके लिए ये बहुत सुंदर चीज है। अब हम लोग कुछ कुछ सवाल देखते हैं बच्चों, और सवाल से इस थ्योरी को रिलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग कुछ सवाल। देखिए बच्चों इस पर कुछ कुछ सवाल है, सवाल को पहले देखते हैं हम लोग। देखिए जिस भी पॉइंट पर तीन कंडीशन दिया रहे वो पॉइंट सस्पिशियस होता है, उसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जैसे देखिए
एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री दिया है, इसका मतलब इसमें दो पॉइंट क्लियर है, लेस देन थ्री और ग्रेटर देन थ्री। तो यहाँ से दो कंडीशन मिल गया और एक कंडीशन यहाँ से है, यानी तीन ही वो पॉइंट है जहाँ पर हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना रहता है, और लिखा हुआ भी है कि कंटिन्यूटी एक्स इक्वल टू थ्री पर चेक किए। तो यहाँ से देखिए एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बाय एक्स माइनस थ्री, एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री और फाइव एक्स इक्वल टू थ्री। इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों तो x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू होगा बाय x माइनस थ्री और x इज नॉट इक्वल टू थ्री और फाइव x इक्वल टू थ्री। इसको कैंसिल किए क्योंकि x तीन के बराबर नहीं है, तीन अगर रहता x तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे, जीरो बाय जीरो हो जाता। तो यहाँ पर बचे गया x प्लस टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री और यहाँ होगा फाइव एक्स इक्वल टू थ्री। अब ये चीज बता रहा है यहाँ दो बात है, या तो x लेस देन थ्री है या तो x ग्रेटर देन थ्री है। ये दोनों कंडीशन के लिए इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वही सेलेक्ट करना है। x इज नॉट इक्वल टू थ्री अभी हम लोग चार्ट में भी देखे थे, वो बता रहा था कि उसका मतलब है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों वहीं से मिलेगा, और उसके लिए करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है ये। तो ठीक है, सबसे पहले तो f3 देख लेते हैं, x इक्वल टू थ्री जब बैठाएंगे तो एफ एक्स का वैल्यू है फाइव। ठीक है, तो यहाँ फाइव लिख दी। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो थ्री प्लस एच, एक्स के जगह थ्री प्लस एच लिख रहे हैं तो यहाँ भी एक्स के जगह थ्री प्लस एच लिखेंगे, ये हो जाएगा थ्री प्लस एच प्लस टू और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू होगा फाइव। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ थ्री माइनस एच, यहाँ क्या आएगा एक्स के जगह थ्री माइनस एच प्लस टू, यानी इस कंडीशन में भी यही फंक्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ h बराबर जीरो भरेंगे तो हो जाएगा फाइव। ये तीनों बराबर है, क्लियरली लिमिट h टेंस टू जीरो एफ थ्री माइनस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ थ्री प्लस एच और एफ थ्री, ये तीनों बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू थ्री। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर टू। सवाल नंबर टू देखें, लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर टू यहां पर टू का वन में दिया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कॉस वन बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। कंटिन्यूटी चेक करना है हम लोग को एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो देखिए x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यहाँ पर दो कंडीशन है लेफ्ट और राइट का, और दोनों के लिए फंक्शन करस्पॉन्डिंग यही है। तो सबसे पहले f जीरो देखते हैं, तो f जीरो तो जीरो है, x इक्वल टू जीरो बैठा दीजिए, f जीरो का वैल्यू जीरो हो गया। अब लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो प्लस h, तो जीरो प्लस एच के लिए यही फंक्शन है, जीरो से जस्ट बड़ा के लिए भी यही और जीरो से जस्ट छोटा के लिए दोनों के लिए यही फंक्शन सेलेक्ट करना है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, तो यहाँ पर आप भरेंगे जीरो प्लस एच कॉस वन बाय जीरो प्लस एच। अब यहाँ बैठाएंगे तो हो जाएगा ये एच कॉस वन बाय एच। अब यहाँ देखिए इसका लिमिट में हम लोग देखे थे कि ये एक नंबर है जो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और ये एक नंबर है जो माइनस वन से वन के बीच में, इसका मतलब इसका वैल्यू जीरो हो गया। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच अगर देखें तो ये होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड ऑफ जीरो माइनस एच इंटू कॉस वन बाय जीरो माइनस एच, ये होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एच कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा और ये भी हो गया जीरो। ये तीनों बराबर है बच्चों, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू जीरो पर, इसका मतलब कंटिन्यूअस है ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं टू का टू। सवाल नंबर टू देखिए, एफ एक्स इक्वल टू है e टू द पावर x माइनस वन बाय लॉग वन प्लस टू एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और सेवन एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए एफ जीरो का वैल्यू है सेवन। अब राइट हैंड लिमिट देखें बच्चों, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ये होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो e टू द पावर जीरो प्लस एच माइनस वन बाय लॉग वन प्लस टू इंटू जीरो प्लस एच।
लिमिट x टेंस टू जीरो ये हो गया e टू दी पावर x माइनस वन बाय लॉग वन प्लस टू एच। अब या तो यहाँ से आप लपीटल से सॉल्व कर लीजिए या स्टैंडर्ड फार्मूला लगा दीजिए, e टू दी पावर h माइनस वन बाय एच होल इन टू एच बाय लॉग वन प्लस टू एच बाय टू एच इन टू टू एच। अब ये x से h कैंसिल हुआ बच्चों, तो ये चीज वन और इसका भी लिमिट का वैल्यू वन, तो बच गया वन बाय टू। साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब तीसरा भी निकाल ही दीजिए एफ जीरो माइनस एच, तो क्या हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एक्स के जगह जीरो माइनस एच बैठाएंगे तो ये होगा माइनस एच माइनस वन लॉग वन माइनस टू एच। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो ई टू दी पावर माइनस एच माइनस वन डिवाइड बाय माइनस एच इंटू माइनस एच लॉग वन माइनस टू एच बाय माइनस टू एच इंटू माइनस टू एच। इसका वैल्यू हो गया वन। ई के पावर में जो टर्म है वही टर्म डिनोमिनेटर में, यहाँ भी वन माइनस टू एच है जो टर्म यहाँ है माइनस के साथ वही टर्म यहाँ है, इसका वैल्यू भी होगा वन। अब ये एच से एच कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ वन बाय टू। इसका मतलब ये तीनों का तीनों बराबर नहीं है बच्चों, इसलिए एफएक्स क्या है डिसकंटिन्यूअस है, एफएक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगला सवाल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ऑफ मॉड एक्स बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ से fx इक्वल टू इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बाय एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स जब जीरो से बड़ा रहेगा तो मॉड एक्स एक्स के साथ खुलेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस एक्स बाय एक्स जब x लेस देन जीरो और जीरो जब x इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस फंक्शन को और फाइन कर लेते हैं तो x कॉमन करके इसको खत्म करते हैं, तो यहाँ होगा x प्लस टू एक्स जब जीरो से बड़ा है, यहाँ x माइनस टू एक्स जीरो से छोटा है और जीरो जब x इक्वल टू जीरो है। अब देखिए अब तो ये आसान हो गया, एक्स जीरो का वैल्यू जीरो है, लिमिट x टेंस h टेंस टू जीरो f जीरो प्लस h, इसके लिए ये फंक्शन है जीरो से बड़ा के लिए ये है कंडीशन, उसके लिए फंक्शन ये है, इसमें बैठाएंगे तो लिमिट h टेंस टू जीरो जीरो प्लस h प्लस टू इसका वैल्यू हो जाएगा टू। यहीं पर फंक्शन बराबर नहीं है, आप यहीं से भी देख के डिसकंटिन्यूअस बता सकते हैं इसको, जीरो माइनस h लिमिट h टेंस टू जीरो ये होगा जीरो माइनस h माइनस टू और वैल्यू हो जाएगा माइनस टू। इसका मतलब एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर तीन। यहां हम लोग को शो करने के लिए बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन थ्री एक्स बाय टेन टू एक्स, एक्स लेस देन जीरो थ्री बाय टू एक्स इक्वल टू जीरो और लॉग वन प्लस थ्री एक्स बाय ई टू दी पावर टू एक्स माइनस वन एक्स ग्रेटर देन जीरो, और कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए बोला है एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो देखिए एक्स जीरो का वैल्यू तो थ्री बाय टू है, एक्स इक्वल टू जीरो बैठाएंगे एक्स जीरो का वैल्यू थ्री बाय टू होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एक्स जीरो प्लस एच लेते हैं, जीरो प्लस एच मैंने एक्स जीरो से बड़ा है तो करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन आएगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस थ्री एच बाई ई टू दी पावर टू एच माइनस वन, एक्स के जगह जीरो प्लस एच भरे हैं। ठीक, अब यहां से इसको लिमिट इसका खोल देते हैं, वन प्लस थ्री एच बाई थ्री एच इंटू थ्री एच बाई ई टू दी पावर टू एच माइनस वन बाई टू एच इंटू टू एच, एच से एच कैंसिल बच्चों, इसका वैल्यू वन इसका वैल्यू वन, तो वैल्यू आ गया आपके हाथ में थ्री बाई टू।
यानी ये दोनों बराबर तो अभी तक हो चुका है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू जीरो एस जीरो माइनस एच, ये जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन थ्री जीरो माइनस एच बाय टेन टू जीरो माइनस एच। यहाँ से आ जाएगा बच्चों साइन माइनस थ्री एच बाय टेन माइनस टू एच, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थ्री एच बाय माइनस टेन टू एच। इसको सॉल्व करें तो साइन थ्री एच अपॉन थ्री एच इंटू थ्री एच टेन टू एच बाय टू एच इंटू टू एच, एच से एच कैंसिल, इसका वैल्यू वन, इसका वैल्यू वन, तो आंसर आ गया थ्री बाय टू। अब ये तीनों का तीनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू जीरो पर, ठीक है बच्चों। अब ये चार नंबर का सवाल हम एक बना देते हैं, चार का दो, वन नंबर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए एफ एक्स इक्वल टू है मॉड ऑफ x माइनस वन मॉड ऑफ x माइनस टू एट x इक्वल टू वन और टू पर, वन और टू पर इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। तो पहले करते हैं क्या, एफ वन निकाल लेते हैं, एफ वन वन में वन गया जीरो और ये हो जाएगा वन, एफ टू निकाल लेते हैं ये भी होगा वन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर मेथड ऑफ इंटरवल लगाएं x इक्वल टू वन, सॉरी यहाँ x इक्वल टू वन ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं x इक्वल टू टू, ये फंक्शन है x माइनस वन और ये फंक्शन है x माइनस टू, एक से बड़ा वैल्यू अगर रखें तो ये पॉजिटिव होगा और दो से बड़ा वैल्यू रखें तो ये पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए इस इंटरवल में x लेस देन वन, जब x एक से छोटा है तो ये और ये दोनों फंक्शन अपने अपने एक्सिस से नीचे है, यानी नीचे है माने निगेटिव है। तो अब वेन x लेस देन वन, जब x एक से छोटा है तो ये दोनों का दोनों फंक्शन अपने एक्सिस से डाउन जा रहा है, इसका मतलब दोनों निगेटिव है। ये कंसेप्ट हम मॉडुलस फंक्शन एक अपलोड किए थे बच्चों, उसमें आप देख सकते हैं कैसे मॉडुलस फंक्शन को तोड़ते हैं। माइनस ऑफ x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस टू, सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। जब एक से बड़ा और दो से छोटा है, एक से बड़ा x और दो से छोटा है, तो उस केस में देखिए ये फंक्शन तो ऊपर है x माइनस वन प्लस है लेकिन x माइनस टू निगेटिव है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस टू, यानी x माइनस वन माइनस x प्लस टू, ये हो गया वन। और जब x दो से बड़ा है, x जब दो से बड़ा है बच्चों तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, दोनों देखिए दो से बड़ा के रीजन में ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इस रीजन से बाहर दो से बड़ा ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है क्योंकि अपने अपने एक्सिस से ऊपर है, ये हो गया एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू हो गया टू एक्स माइनस थ्री। तो फाइनली हम लोग के पास फंक्शन क्या आया बच्चों, एक्स जब एक से छोटा है उस केस में फंक्शन आपको मिल रहा है माइनस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स जब एक से छोटा है, ठीक। और एक्स और जब एक से बड़ा और दो से छोटा है, एक से छोटा में ये मिला हम लोग को, एक से दो के बीच में हम लोग को वन मिला, ठीक। एक से बड़ा एक्स और दो से छोटा में एफ एक्स का वैल्यू हम लोग को मिला वन, ठीक है। अब देखिए एक्स इक्वल टू वन पर भी वन ही आया था तो यहाँ पर आप इक्वल टू का साइन डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन, x जब 2 से बड़ा था तो 2 से बड़ा के केस में 2x माइनस 3 आया जब x 2 से बड़ा है, और जब एग्जैक्ट 2 है तो यह आ रहा है 1 x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 पर 1 या यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं, एक ही बात।
तो आपके पास ये फंक्शन आया, आप आराम से इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। यहाँ कंटिन्यूटी हम लोग को 1 और 2 पर चेक करने कहा गया है। ऊपर इरेज करते हैं बच्चों, यहाँ देखिए देखिए f1 का वैल्यू 1 है, कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 1 पर। लिमिट x टेंस टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस h पर अगर चेक करें, 1 से बड़ा के लिए तो ये तो डायरेक्ट 1 है, 1 प्लस h के लिए डायरेक्ट 1 है। लिमिट x टेंस टू 0 f1 माइनस h, 1 से कम के लिए ये फंक्शन है, इसको सेट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस टू 1 माइनस h प्लस 3, h बराबर अगर 0 भर दें ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 यानी 1। तो देखिए बच्चों 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 2 पर देखते हैं तो f2 का वैल्यू 1 है, ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, 2 से बड़ा के लिए, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, और एच बराबर 0 अगर भरेंगे तो ये हो जाएगा 4 में 3 गया 1। और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच के लिए देखें 2 से कम के लिए क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब ये फंक्शन 2 पर भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। अब इस फंक्शन इस सवाल को शॉर्ट में बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये इस तरह का सवाल, ये जो पैटर्न सॉल्व करने का था ये बोर्ड में आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, अगर कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पर अगर कोई फंक्शन ऐसा है, ठीक है, जहाँ बी बड़ा है ए से, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, तो इस तरह का ग्राफ हमेशा आप ग्राफ ऐसा बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है वाई एक्सिस ऐसा ऐसा और ऐसा, नाव के जैसा एक ग्राफ बनेगा। और ये है एक्स इक्वल टू ए, ये है एक्स इक्वल टू बी, इधर का रीजन है एक्स ग्रेटर देन बी और इधर का रीजन है एक्स लेस देन ए, और यहाँ पर का जो रीजन है ए से बड़ा एक्स और बी से छोटा है। आप देखे थे एक से दो के बीच में फंक्शन कॉन्स्टेंट आया था, उसका वैल्यू 1 हुआ था, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाए तो देखिए इस फंक्शन का ग्राफ होगा ऐसा, यहाँ पर दिया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, तो 1 2 और 1 से 2 के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और इधर एक नाव के जैसा होगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू 1 था, x इक्वल टू 2 पर भी इसका वैल्यू 2 था, और ये फंक्शन देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन इंटायरली कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 1 2 पर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है बच्चों। आगे का सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 5। यहाँ दिया है एफ एक्स इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 बाय x प्लस जी आई एफ ऑफ x, और x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 x इक्वल टू 0, तो ये चार ऑप्शन में से क्या होगा, ठीक है। एफ जीरो का वैल्यू तो 1 है और यहाँ पर 0 प्लस निकालने बोला गया है हम लोग, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, और जब 0 प्लस एच लिखेंगे बच्चों तो x के जगह आ जाएगा 0 प्लस एच यानी h प्लस, 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0 और एक्स्ट्रा में माइनस 1, और सॉरी बच्चों यहाँ पर ये पावर में है 0 माइनस 1 बाय 0 प्लस एच और प्लस 0, ठीक है, 0 प्लस एच प्लस 0 यानी हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0
ई टू दी पावर एच माइनस वन बाय एच, एंड इसका वैल्यू हो जाएगा वन। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच, अगर ये देखें इसका इसका ओरिजिनल मतलब क्या हुआ, जीरो माइनस पर आप निकाल रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखें या ऐसे लिख सकते हैं, तो जीरो माइनस एच लिखेंगे तो ई टू दी पावर जीरो माइनस एच, और जीरो माइनस का यानी जीरो से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, माइनस वन, माइनस वन, ठीक है। और यहां अगर आप देखें जीरो माइनस एच और माइनस वन, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो गया ई टू दी पावर माइनस एच प्लस वन माइनस वन बाय माइनस एच प्लस वन, ठीक है। अब इसको वन नहीं कर देना है बच्चों, क्योंकि यहाँ एच टेंस टू माइनस वन नहीं है, ये टर्म जीरो होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट अगर आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू होगा e टू दी पावर माइनस वन माइनस वन बाय माइनस वन, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो माइनस वन बाई प्लस वन, ठीक है, तो ये वैल्यू देगा वन माइनस वन बाई। तो एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, जीरो प्लस पर अगर आप निकालेंगे तो e टू दी पावर जीरो प्लस एच प्लस जीरो और माइनस वन बाई जीरो प्लस एच प्लस जीरो, ये हो गया आपका, इसका लिमिट हो गया वन, ठीक है। जीरो माइनस एच पर निकालेंगे तो जीरो माइनस एच, और जीरो माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा माइनस वन, ठीक है, और यहाँ माइनस वन एक्स्ट्रा में एक और है बाय जीरो माइनस एच और माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे आप तो लिमिट जब पुट करेंगे ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस वन माइनस वन और बाय माइनस वन, यानी वन बाय माइनस वन बाई प्लस वन। अब देखिए बच्चों, यहाँ तीनों में से ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो का, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल बच्चों सवाल नंबर सिक्स है, और देखिए इसमें बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जी एक्स एक फंक्शन दिया है जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मैक्सिमम ऑफ एफ टी और ये कंडीशन दिया है, ये जो पैरामीटर टी लिया जा रहा है जीरो से एक्स तक के बीच में है, और ये एक्स जीरो से वन तक के बीच में है। देखिए इस तरह के फंक्शन को देखने के लिए आप जब भी इस तरह का फंक्शन रहे, मैक्सिमम ऑफ एफ टी कुछ भी रहे और टी का बाउंड्री दिया रहे और एक्स का बाउंड्री दिया रहे, तो इस फंक्शन का हमेशा मोनोटोनोसिटी चेक कीजिए, ठीक है। इस फंक्शन का हमेशा मोनोटोनोसिटी चेक कीजिए, मतलब एफ एक्स का मान अगर दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस प्लस एक्स प्लस वन है तो एफ डैश एक्स निकालिए, और ये होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। अब इस फंक्शन का अगर आप डी देखें तो फोर माइनस 12 हो जाएगा, जो होगा माइनस थ्री, जो लेस देन जीरो, माइनस थ्री लेस देन जीरो है बच्चों, और यहाँ ए बराबर थ्री यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा है, यानी ये फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा, यानी एफ एक्स क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मान लीजिए एफ एक्स का ग्राफ जैसा भी रहा होगा कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और यहाँ टी का वेरिएशन है जीरो से टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू एक्स तक है, तो ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिलेगा, एक्स पर मिलेगा। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है एक्स टी इक्वल टू मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ एक्स है, ये अभी यहाँ जीरो दिया है आप जीरो भी मान सकते हैं, चलिए तो ये फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन ये हो जाएगा एफ जीरो से एफ एक्स तक, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, एफ एक्स हुआ, ठीक है। तो जी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हुआ एफ एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जीरो से बड़ा है एक्स और एक से छोटा है,
अब तीन माइनस एक्स जब एक से बड़ा है और दो से छोटा है, ठीक, तो हम लोग चेक करते हैं कंटिन्यूटी। वन पर पहले चेक करते हैं, जिस पॉइंट पर तीन कंडीशन दिए रहे उस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन भी हम लोग देखें तो वन पर चेक करना है, जीरो पर चेक करना है, तो पहले जीरो पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी। तो जी जीरो का वैल्यू क्या होगा, बैठा दीजिए जीरो आ गया वन, जी जीरो प्लस का वैल्यू अगर देखें तो वो भी वन आएगा। यानी अब इसके क्या है, ये फंक्शन जीरो के लेफ्ट में डिफाइन ही नहीं है, तो आप सिर्फ ये दो कंडीशन से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये फंक्शन जी जीरो पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये फंक्शन एफ एक्स सॉरी जी एक्स जो है कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। अब वन पर चेक करते हैं, एफ वन का वैल्यू ये हो जाएगा टू, और एफ वन माइनस का वैल्यू अगर चेक कीजिएगा तो वन माइनस चेक कीजिएगा तो वो भी होगा टू। वन प्लस पर अगर देखिएगा वैल्यू थ्री माइनस वन प्लस, यानी ये टू हो जाएगा। यानी ये फंक्शन वन पर भी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है ए और बी इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा ए और बी। अब सवाल नंबर सेवन देखते हैं। एफ एक्स का वैल्यू है एक्स ई टू दी पावर माइनस वन बाय मॉड एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। इसको चेक करना है तो देखिए एफ जीरो पर वैल्यू है जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो भर दीजिएगा तो एफ जीरो का वैल्यू जीरो है। एफ जीरो प्लस का वैल्यू देखिए, एफ जीरो प्लस क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। यहाँ बैठाइए एफ जीरो प्लस एच अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा एच ई टू दी पावर, और यहाँ लिमिट एस टेंस टू जीरो ई टू दी पावर माइनस वन बाय एच और प्लस वन बाय एच। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर जीरो वन इंटू जीरो, यानी ये जीरो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं तो जीरो माइनस लिमिट एस टेंस टू जीरो एच, और ये माइनस एच हो जाएगा जीरो माइनस एच में, और ई टू दी पावर ये माइनस एच के साथ खुलेगा तो ये हो जाएगा वन बाय एच और प्लस वन बाय एच, ठीक। तो माइनस लिमिट एस टेंस टू जीरो एच ई टू दी पावर टू बाय एच। अब यहाँ जब लिमिट लीजिएगा तो ये जीरो इंटू एनी नंबर, यानी ये फंक्शन हो जाएगा जीरो। तो देखिए ये फंक्शन पूरा का पूरा कंटिन्यूअस हो गया बच्चों, है ना। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक। अब हम सवाल नंबर देखते हैं बच्चों आठ। देखिए सवाल नंबर आठ देखते हैं। देखिए ये फंक्शन है मिनिमाइजिंग फंक्शन, वन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। इस तरह का सवाल ग्राफ से बनाना बहुत आसान रहता है बच्चों, इस तरह का ग्राफ कैसे खींचते हैं वो देखिए। मिनिमम ऑफ वन एक्स और एक्स क्यूब, पहले ये सब फंक्शन का ग्राफ इंडिविजुअल कीजिए आप। एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का और वन का, ठीक। देखिए तो आप देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और वन का ग्राफ अगर खींचेंगे हम लोग तो जीरो से वन के बीच में, जीरो से जब एक्स वन से छोटा होगा तो उसके बीच में एक्स स्क्वायर बड़ा होगा एक्स क्यूब से, और वन से जब बड़ा हो जाएगा एक्स तो एक्स क्यूब बड़ा हो जाएगा एक्स स्क्वायर से। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप जो है पहले एक्स क्यूब का ग्राफ खींचिए एक्स स्क्वायर का, ये हुआ एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, और ये हुआ एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और ये हुआ एक्स क्यूब का ग्राफ,
ठीक है, ये है आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये दोनों एक दूसरे को जब सॉल्व करेंगे तो कटेगा वन पर, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब तो कटेगा वन पर, और ये वाई इक्वल टू वन है, यानी ये लाइन पूरा वाई इक्वल टू वन है। तो देखिए मिनिमाइजिंग फंक्शन का ग्राफ अगर खींचना है तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे और देखेंगे कि यहाँ आया जीरो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में y कम कहाँ है, तो ये देखिए y में ये पॉजिटिव साइड में है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, और ये y निगेटिव में है यानी इसका वैल्यू कम है, तो इस ग्राफ को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक, अब जीरो से वन के बीच में देखें कि जीरो से वन के बीच में एक्स स्क्वायर एक्स क्यू से ऊपर होता है, तो हम लोग को मिनिमम लेना है तो ऊपर वाला ग्राफ खत्म करेंगे। ठीक, अब वन से बड़ा में ये दोनों वैल्यू इससे बड़ा है, इससे ऊंचा है, इस दोनों को डिस्कार्ड करेंगे तो फाइनल में हम लोग का ग्राफ कुछ ऐसा मिल गया, और मिला कैसा वो देखिए, ऐसा ऐसा और ऐसा, यहाँ पर भी y इक्वल टू एक्स क्यू, और यहाँ भी y इक्वल टू एक्स क्यू है, और यहाँ y इक्वल टू वन है, यानी अगर फंक्शन को आप डिफाइन करना चाहें ये हो जाएगा एक्स क्यू जब x एक से छोटा और बराबर है, और वन जब x एक से बड़ा है। तो ये फंक्शन हो गया बच्चों, इस फंक्शन में देखिए कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, यानी एफ एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर, यानी इसका ऑप्शन होगा बच्चों ये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 9। यहाँ f का डोमेन में ab है, और इसका कोडोमेन है 1 इन्फिनिटी, और ये कंटिन्यूअस है, और ले g जो है कोई भी फंक्शन R से R में है जिसको डिफाइन किया गया है ऐसा, तो आप g कोई भी एक फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ दिया है जी एक्स का वैल्यू है 0 जब x लेस देन a है, तो ठीक है g 0 माइनस पर अगर आप देखें, सॉरी a माइनस पर देखें वो 0 होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट a से कम के लिए 0 है, जी ए पर वैल्यू अगर देखें तो इस फंक्शन को सेलेक्ट करना होगा ए से ए एफ टी जी टी, और ये 0 हो जाएगा, लोअर और अपर लिमिट सेम है, और जी ए प्लस ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 ए से एक्स एफ टी जी टी। ठीक है, ए से एक्स एफ टी डी टी, जहाँ एच टेंस टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, या एच टेंस टू 0 a से a प्लस एच एफ टी डी टी, और इसका वैल्यू भी आ जाएगा 0। आप नहीं तो इसको डायरेक्ट समझें, a से जस्ट a प्लस है, मतलब कुछ ज़्यादा है, मतलब यही है, और उसका लिमिटिंग वैल्यू आप ले लेंगे तो यहाँ a से a प्लस, ये लिमिट नहीं लगाना है a से a, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है बच्चों। ठीक है, a से a प्लस ले रहे हैं और उसका लिमिट इंटीग्रेशन 0 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यू बराबर हो गया है, इसका मतलब g जो है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a पर। x इक्वल टू b पर देखें तो जी बी का वैल्यू, क्योंकि एफ टी जो है ना एफ फंक्शन, वो कंटिन्यूअस फंक्शन रखा गया है, इसको हम लोग एक और मेथड से देखते हैं बच्चों। जी बी अगर देखें तो जी बी जो है एक्स इक्वल टू बी पर, एक्स इक्वल टू बी पर अगर देखें ये हो जाएगा ए से बी एफ टी डी टी। ठीक, और जी बी माइनस पर भी देखें तो यही चीज आएगा। ठीक,
यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो ए से बी माइनस एच दिया जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये एफ टी डी टी है, और ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ए से बी एफ टी डी टी, ठीक है। और जब x ग्रेटर देन b है, यानी g जब b प्लस है, तो भी वैल्यू दिया है आपको a से b एफ टी डी टी। तो देखिए यहाँ पर भी तीनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब जी एक्स जो है कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू a पर भी और x इक्वल टू b पर भी, यानी जी एक्स कंटिन्यूस है a पर और जी एक्स कंटिन्यूस है b पर, यानी इसका ऑप्शन आएगा a और c। इसको दूसरे तरीका से भी बनाने का प्रयास करते हैं बच्चों, ठीक है। ये सवाल नंबर 9 था, इसको दूसरे नंबर तरह से बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि जी एक्स एक फंक्शन है जो r से r में डिफाइन है, ठीक है। और ये दिया गया है कि a से जब छोटा है तो जी एक्स जीरो, तो ठीक है, तो जी ए माइनस तो जीरो दे ही दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं a से b के बीच में कोई वैल्यू रख के, a से b के बीच में एफ टी का कोई वैल्यू मान लेते हैं। तो मान लीजिए एफ टी का वैल्यू जो है वो है, मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू है, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, ठीक। r से r में डिफाइन है तो ये भी r से r में डिफाइन है, और ये कंडीशन है a से बड़ा और b से छोटा, ठीक। ओके, तो अब अगर हम इसमें लगाएं कि जी ए पर वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा पी ए प्लस क्यू, और जी ए प्लस पर अगर लगाएं तो हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो ए से ए प्लस एच और एफ टी डी टी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एफ टी का वैल्यू है पी एक्स प्लस की ए से ए प्लस एच, और एफ टी का वैल्यू यहाँ हम लोग पी टी प्लस क्यू करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा पी टी प्लस क्यू डी टी, ठीक। और लिमिट एस टेंस टू जीरो, और इसको सॉल्व करें हम लोग, ये हो जाएगा पी टी स्क्वायर बाई टू प्लस क्यू टी, और यहाँ लिमिट भरना है a से a प्लस एच, ये हो जाएगा p बाई टू ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस और टोटल में लिमिट लगा हुआ है h टेंस टू जीरो प्लस, इसमें भरेंगे a प्लस एच माइनस a मिलेगा हम लोग को, ठीक है। लिमिट एस टेंस टू जीरो, अब एच बराबर अगर आप जीरो भर दीजिए इसमें, एच बराबर जीरो, तो क्या मिलेगा आपको पी बाई टू, एच बराबर जीरो भर दीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा प्लस क्यू इंटू जीरो, यानी मिल गया आपको टोटल जीरो, यानी जी ए प्लस पर भी वैल्यू आया जीरो, ठीक है। अब जी ए माइनस पर आ गया था, जी ए पर वैल्यू आया है पी ए प्लस क्यू, है ना, जी ए पर वैल्यू है पी ए प्लस क्यू, और ये वैल्यू किसके बराबर है जब ए से ए एफ टी डी टी आप करते हैं, ठीक। जी ए पर वैल्यू है, और ये तो एफ टी का वैल्यू आप पुट किए थे बच्चों, यहाँ जी ए होगा a से एफ टी डी टी, और a से a अगर करिएगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा जीरो। ये एफ टी का वैल्यू था बच्चों, आप जी टी में भर दिए थे, ठीक है। अब एफ टी का वैल्यू इसमें आप भर दीजिए और देखिएगा तो जी ए प्लस भी आपका जीरो हो गया, जी ए माइनस भी जीरो है, जी ए भी जीरो है, और जी ए प्लस भी आप जीरो निकाल दिए। तो इस तरह से ये फंक्शन ए पर कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह हम लोग b पर भी चेक कर सकते हैं, सिमिलरली b पर भी आप फंक्शन जो है b प्लस निकालेंगे या b माइनस यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पर b माइनस h करेंगे और इसमें लिमिट भरेंगे,
और इसमें भी बी से ज़्यादा के लिए वैल्यू दिया हुआ है ये, तो बी से ज़्यादा के लिए फंक्शन जो है इसमें एफ टी के जगह ए भर देंगे और चेक करेंगे, जब आप करेंगे तो देखेंगे आपकी जी एक्स कंटिन्यूस हो जाएगा ए पर भी, आप ठीक है। यहाँ चूंकि दिया हुआ था बच्चों कि आर से आर में डिफाइन है, तो आप एक लीनियर फंक्शन मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जानकारी होना चाहिए। नहीं है अगर जानकारी तो आप यहाँ पर से अपने से कोई फंक्शन सेट कर सकते हैं, एफ टी को आप कोई भी फंक्शन सेट कर सकते हैं जो रियल से रियल में डिफाइन। आप साइन टी भी मान सकते हैं, कॉस टी भी मान सकते हैं, एफ टी बराबर टी भी मान सकते हैं, कोई भी फंक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 में देखिए फिर वही मैक्सिमाइजिंग फंक्शन है, एफ एक्स बराबर मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर, और एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है। तो पहले इस फंक्शन का ग्राफ खींचे, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक समझ जाइए बच्चों, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, और ये वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। ये वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखिए ये दोनों का कटिंग पॉइंट यहाँ होगा, एक 1 पर होगा। देखिए ये सिमेट्रिक नहीं लग रहा है बच्चों, थोड़ा सिमेट्रिक हो जाता तो अच्छा लगता। इसको आप यहाँ से मिला दीजिए और इसको थोड़ा इधर कर दीजिए। चलिए अब कुछ कुछ ठीक लग रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा है और यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा है, ओके। तो x इक्वल टू 2 पर जो पॉइंट मिलने वाला है हम लोग को, x इक्वल टू 2 पर वो कहीं यहाँ मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस 2, और x इक्वल टू 2 पर जो पॉइंट इधर मिलेगा वो होगा x इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, मैक्सिमम ऑफ इस दोनों फंक्शन का जब x माइनस 2 से 2 के बीच में है, मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब हुआ बच्चों माइनस 2 से बड़ा है x और 2 से छोटा है, ठीक है। तो माइनस 2 से माइनस 1 की तरफ अगर आप बढ़ेंगे, इस दोनों फंक्शन में इसका ऊंचाई ज्यादा है, तो ये फंक्शन को डिस्कार्ड कीजिए, ठीक। अब माइनस 1 से 0 के बीच में देखिए ये फंक्शन ऊंचा है, तो इस फंक्शन को हटाना होगा, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। जीरो से 1 के बीच में ये फंक्शन ऊंचा है, तो इसको हटाइए, और 1 से 2 के बीच में ये फंक्शन ऊंचा है, तो इसको हटाइए लोअर वाले को। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, यहां से 1 तक है स्ट्रेट लाइन, 1 के बाद एक पाराबोला टाइप का है एक्स इक्वल टू 1 के बाद, ठीक है। और इसी लेवल पर यहां पर एक पाराबोला और यहां से एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ये लाइन है एक्स इक्वल टू माइनस 1, ओके। अब सेकंड कंडीशन देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है 2 से बड़ा है मॉड एक्स और लेस देन इक्वल टू 4 है, और उसके बीच में ये ग्राफ है, और उसको भी हम लोग को अलग से खोलना होगा। देखिए यहाँ पर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4 है, यहाँ देखते हैं मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। इसका मतलब माइनस 4 से बड़ा है एक्स और छोटा है 4 से, और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब x भी बड़ा है 2 से और x छोटा है माइनस 2 से। इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ देखिए ये हो गया माइनस 4, ये हो गया 4, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया 2। क्या बोल रहा है,
माइनस चार से चार तक तो आप ले लीजिए। फिर बोल रहा है दो से बड़ा यानी इधर, माइनस दो से छोटा यानी इधर। इसका मतलब आपका ये जो है ये फंक्शन डिफाइन है माइनस चार से माइनस दो में और दो से चार में। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स कर रहा है माइनस चार से माइनस दो में यूनियन दो से चार। इसका मतलब यही हुआ। अब इस फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं, एट माइनस टू मॉड एक्स का। तो एट माइनस टू मॉड एक्स का ग्राफ खींचेंगे, y इक्वल टू एट माइनस टू मॉड एक्स का ग्राफ खींचेंगे। तो इसका मतलब है कि जब x आपका जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा, तो वो होगा y इक्वल टू एट माइनस टू एक्स, इसको लेफ्ट में लाएंगे टू एक्स प्लस वाई बराबर एट, और x बाय फोर प्लस वाई बाय एट हो जाएगा वन के, ठीक है। और x जीरो से बड़ा होना चाहिए और इस कंडीशन में दो से बड़ा होना चाहिए, तो x इक्वल टू दो तो कहीं यहाँ होगा क्योंकि दो तक ही आप ग्राफ खींचे थे, यहाँ भी दो तक ही ग्राफ खींचे थे, ठीक। अब दो पर वैल्यू क्या था, तो अगर आप दो पर वैल्यू देखेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू दो पर चार था, ठीक है। एक्स इक्वल टू दो भरेंगे यहाँ पर तो वैल्यू आएगा चार, यहाँ भी दो भरेंगे तो वैल्यू आएगा चार। इसका मतलब ये ग्राफ एक्स बाय चार और वाई बाय आठ है ना, वाई बाय आठ बराबर वन, यानी वाई में और ऊपर जाएगा लेकिन ये दो के बाद ही इधर आ जाएगा क्योंकि दो से ज्यादा का चाहिए। अगर इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो वाई एक्सिस में आठ पर काटेगा, लेकिन आपको लेना है दो से बड़ा, इसके इधर लेना ही नहीं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और इसी के जैसा सिमेट्रिकल ग्राफ कुछ इधर। तो देखिए बच्चों, ये पूरे फंक्शन का ग्राफ ऐसा आ चुका है, ये ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, यानी इसका ऑप्शन होगा बच्चों डी, ठीक है। और लास्ट सवाल आज का हम लोग देखते हैं कि दीपावली है, बहुत सारा पटाखा फूट रहा है और वो आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, इसीलिए आज का लास्ट सवाल ये रखते हैं, सवाल नंबर 11। तो देखिए यहाँ पर दिया है तीन फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू दिया है सिग्नम एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, और इसका शायद मिनिमम वैल्यू लेना है। एक बार हम देख लेते हैं बच्चों, शायद मिनिमम वैल्यू लेना होगा। या इसका मैक्सिमम देख लेते हैं एक बार बच्चों, सवाल का मैक्सिमम वैल्यू लेना है बच्चों। आपसे क्वेश्चन थोड़ा गलती लिखा गया है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो है फंक्शन, इसका ग्राफ हम लोग को खींचना होगा। देखिए सिग्नम एक्स का ग्राफ बहुत ही आसान है, तो जानते हैं इसका ग्राफ कैसे, तो देख लीजिए, खींच लीजिए इसको। ये हो गया वाई इक्वल टू वन, ये वाई इक्वल टू जीरो है और ये वाई इक्वल टू माइनस टू, खींच लीजिए। अब ये देखिए वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, और उसके पहले ये एक देखिए वाई इक्वल टू अगर आप खींचेंगे नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो एक सर्कल मिलेगा आपको, लेकिन निगेटिव है वाई, ये y निगेटिव है तो ये एक लोअर में सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस होगा 3 यूनिट। तो यहाँ से आप 3 यूनिट सर्कल खींच लेंगे, ये हो गया 1 माइनस के साथ, अब ये 0 माइनस 3 हो गया, 3 यूनिट का एक सर्कल खींचे आप, ठीक है। अब एक पॉइंट है y इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स क्यू का इधर का ग्राफ अगर देखें तो कुछ ऐसा होगा, और एक्स क्यू का इधर का ग्राफ देखेंगे तो एक्स क्यू के साथ अगर आप सिग्नम एक्स को सॉल्व करेंगे है ना, तो यहाँ पर का पॉइंट क्या आएगा, यानी सिग्नम एक्स का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ भी 1 हो जाएगा। यहाँ सिग्नम एक्स बराबर -1 है, यहाँ देखिए सिग्नम एक्स का वैल्यू -1 है और एक्स क्यू का मान हो गया -1, एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ का पॉइंट हो जाएगा
माइनस वन जीरो, और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस थ्री जीरो, और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा थ्री जीरो। अब यहाँ का पॉइंट देखें तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं E, इसको Q, इसको R, इसको S, O, और यहाँ पर T, तरह का कोई पॉइंट मानते हैं, ठीक है, ओके। अब बोलता है मैक्सिमम, तो यहाँ पर देखिए माइनस तीन से माइनस वन के बीच में, एक्स इक्वल टू माइनस तीन से माइनस वन के बीच में, पहले यहाँ पर हम लोग एक से ज्यादा के बीच में अगर फंक्शन देखें, एक से ज्यादा के बीच में ये फंक्शन डिफाइन है, तो इसको हम लोग को हटाना होगा, इसको हम लोग हटा दिए, ठीक है। जीरो से वन के बीच में, ये दोनों के बीच में ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, ये भी है, तो इसको हटाना होगा, तो हम लोग को ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है, और इसको भी हटाना होगा, जीरो से वन और वन से थ्री में, ये सबसे लोअर ग्राफ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच में, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपका ग्राफ ये वाला है, तो इसको हटाना होगा, ठीक है। इस दोनों पॉइंट के ये ग्राफ इसके नीचे है, तो इसको हटाना होगा आपको, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये दोनों ग्राफ में ये ग्राफ है और ये ग्राफ हटाना होगा। तो आप देखिए आपको ग्राफ मिला यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से कुछ नहीं मिला आपको, ग्राफ मिला नहीं, फिर यहां से यहां तक, ठीक। इसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम ग्राफ को आपको मिटा के दिखाते हैं कि कौन कौन सा ग्राफ मिला हम लोग को। देखिए इसको हम डिलीट करते हैं, यहां से यहां से यहां से ये सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, और ये भी डिलीट हो गया, ठीक। तो आप देखिए बच्चों, यहां से यहां तक में फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी माइनस तीन पर कंटिन्यूअस है, माइनस वन पर कंटिन्यूअस है, और यहां पर भी जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट था एक्स क्यूब, यहां पर जो ग्राफ है, यहां पर का जो कटिंग पॉइंट है, वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस, लेकिन जीरो के राइट में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि वहां फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी एक पॉइंट हुआ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ हुआ, एक पी पर हुआ, एक क्यू पर हुआ, ठीक है, एक एस पर हुआ, और ये पॉइंट को क्यू माने थे आप, एक पी पर हुआ, है ना, पी क्यू एस और पी, ये चार पॉइंट पर फंक्शन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट फोर पॉइंट्स, ठीक। आप यहाँ का भी कटिंग पॉइंट फंक्शन को सॉल्व करके, दो ग्राफ को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक। ज्यादातर आसान रहता है कि ये सब फंक्शन का ग्राफ बना के आप खुद से चेक कर लें। जब आप शुरू में ग्राफ बनाए थे तो जीरो के इधर में फंक्शन था, ठीक है, लेकिन जब आप इसका मैक्सिमाइजिंग लिए तो जीरो के राइट में फंक्शन ही खत्म हो गया, इसका राइट हैंड लिमिट निकल ही नहीं रहा है, इसका मतलब जीरो पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। और वन के लेफ्ट और राइट दोनों में आप अगर लिमिट लेंगे और वन पर भी लेंगे तो फंक्शन डिफाइन हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू वन पर, इस पॉइंट पर माइनस वन पर और माइनस थ्री पर, ठीक है बच्चों। तो ऐसा करते हैं कि लिमिट का ये पार्ट टू आपको कुछ समझ आया होगा बच्चों, जैसा भी हुआ होगा आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम लोग बहुत ही जल्दी अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे कि कंटिन्यूटी जब फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूअस हो तो पैरामीटर का मान कैसे निकालते हैं, और किसी पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस करके उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो जिससे रिलेटेड जो सवाल है उसको हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे, और फिर
और भी कंटिन्यू करेंगे और भी बात। तब तक के लिए हैप्पी दीपावली बच्चों, जय हिंद।